द्रौपदी ने आरते का थाल सजा रखा था कि अर्जुन गऊओं को छुटा, क्योंकि द्रौपदी को पता था अर्जुन ही गऊओं को छुटा करके लाया है। आरती करने के लिए खड़ी थी, लेकिन उस द्रौपदी के हाथ में आरती के थाल को देख करके, और जब वो अर्जुन के सामने पहुंची तो रानी सुदेशना ने सोची कि हिजड़े का आरती करने के लिए क्यों जा रही है। उस आरती के थाल को गिरा दिया, द्रौपदी की आंखों में आंसू भराए। उस समय का वहां का वर्णन किया गया है, सुनेंगे रागनी दीपा चौधरी के द्वारा। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली दीपा चौधरी के लिए हो जानी चाहिए। हो कैसे सपारी करूं आज तेरी जीत पे रोती, पिया माल लुटाती जो हस्तिनापुर में होती, हो पिया माल लुटाती जो हस्तिनापुर में होती, हो कैसे सबर करूं अजा तेरी जीत मैं रोती, पिया माल लुटाती जो जो हस्तिनापुर में होती।
जी मजबूर हूँ, आपकी बेइज्जती खड़ी खड़ी देखती रही, रानी को कुछ कह भी नहीं पाई। हे द्रौपदी, एक साल से जब हम इनके नौकर बन करके रह रहे हैं, ये हमारे महाराज हैं, ये हमारे अन्नदाता हैं, ये हमारी महारानी है, तो तुझे इस बात का गिल्ला शिकवा नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि तेरे दिल के अरमान आज टूट गए हैं। तू बड़ी खुशी से आरती का थाल लेकर के आई थी कि हाँ इन गऊओं को छुटवा करके लाया है, तो तुझे क्योंकि सारी बातों का भेद तुझे मालूम है, लेकिन ये महारानी नहीं जानती कि ये गऊ कैसे छुट करके आई है, इन्हें कौन छुटवा करके लाया है। ये तो केवल यही सोच रही है कि तेरा बेटा उत्तर कुवार इन गऊओं को छुटा करके लाया है। इसी बात का दर्द है पिया जी, कि जिस आरती के आप हकदार थे वो आरता आज आपका नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आज इन्हीं का आरता होने दे। सुनिए मेरी, सबर कर। नगर में पत्थर पड़े रे जीते।